सफा 191 है, पेज 191। हम खड़े होके पढ़ेंगे, खड़े हो जाए सब। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 10, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 10, फिलिपियों 3:10, पेज 191 इन उर्दू बाइबल। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से, ताकि गौर से सुने, ताकि किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। हम खड़े होते हुए दुआ करेंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएं, आजाद हो जाएं, आजादी महसूस करें, खुल जाएं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी महसूस करें। प्रे फॉर द मैसेज फॉर टुडे इवनिंग, आज के कलाम के लिए दुआ करें कि खुदावंद सारे बंधन टूट जाएं, तेरा पाक रूह आज गहरे तौर पर हमारे दिलों को छुए, और आए खुदावंद खुदा हमें अच्छा ज़हन दे ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। आ मेरे गले के लिए जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है, उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद मेरे गले को छुए और आज के कलाम के लिए हमें तैयार करें। हालेलुया, दुआ करें कि खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक, आए खुदावंद खुदा अपने खादम को और मुझे, हम सब को एक रूह में बांध ले और गहरे तौर पर तेरे पाक रूह का मसा हमारे दरमियान जुम्बश करता हुआ नजर आए। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आए खुदावंद खुदा, सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं, तुम्हारी रहबरी और रहनमाई कर, अपने नाम को जलाल दे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो, आमीन। जमात बैठ जाए। जब आप कलाम सुनते हैं तो तवज्जो से, गौर से सुने। महज हम सिर्फ कानों तक कलाम ना रहे, कलाम को अपने बदन का हिस्सा बनाएं। जब आप कलाम सुन रहे हैं तो इस कलाम को अपने बदन का हिस्सा बनाएं। आप जानते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो एक वक्त आता है कि जो कुछ आपने खुराक खाना खाया है वो आपके बदन का हिस्सा बन जाता है। सही है या गलत है? तो फिर आपको एनर्जी मिलती है, फिर आपको कुवत मिलती है। तो इसी तरह यह रूह की खुराक है। और तवज्जो से, गौर से सुने, और ये कलाम सिर्फ कानों तक ना रहे, इस कलाम को अपने बदन का हिस्सा बनने दें। और यकीनन जब आप, मैं खुदा का खादम होते हुए बड़ी दलेरी से ऐलान करता हूं कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं जहां कहीं भी बैठे हुए, जब आप इस कलाम को अपने बदन का हिस्सा बनाएंगे तो यकीन जाने आपके बदन की रसौलियां खत्म हो जाएंगी, आपके बदन के अंदर से पत्थरियां यस्सु नाम से डिसअपीयर हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, यह खुदा का कलाम कह रहा है। हेपेटाइटिस बी और सी यस्सु नाम से खत्म हो जाएगा और सारी
गुर्दों की बीमारियां यीशु नाम से खत्म हो जाएगी, स्पाइन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु नाम से खत्म हो जाएगी। बट व्हेन, जब आप इसको अपने बदन का हिस्सा बनाएंगे, जब इस कलाम को कबूल कर लेंगे, तो डिप्रेशन जाता रहेगा, जोड़ों की दर्दें खत्म हो जाएंगी। काश आज जब हम कलाम को सुन रहे हैं तो इस कलाम को अपने बदन का हिस्सा बनाएं। मुझे पाखरू बड़े जोर के साथ बोझ देकर यह कह रहा है कि यकीनन जब आप कलाम सुन रहे होंगे तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका फ्रोजन शोल्डर यीशु नाम से जाता रहेगा, आंखों की कमजोरी बेनाई कम बेनाई खत्म हो जाएगी और वापस आना शुरू हो जाएगी, पेट के जुमला मराज यीशु नाम से खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि मेरा और आपका यीशु क्या है, जोर से बोले हालेलुया, मेरा और आपका यीशु क्या है, जिंदा है, हालेलुया। खुदावंद का बंदा कहता है कि काश पौलुस रसूल के दिल की आवाज, लिखा है कि किसी तरह से, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये पौलुस के दिल की ख्वाहिश है, ही इज क्राइंग एंड ही इज हंग्री एंड थर्स्टी फॉर दैट रेवोल्यूशन, इस मकाशवा के लिए वो भूखा और प्यासा है। तो जहन में एक ख्याल उठता है, उसके दिल में ये जो आग है, ख्वाहिश है, व्हाट इज बिहाइंड इट, वो क्या सोच रहा है, वो क्यों मुर्दों में से जूटने के दर्जा तक पहुंचने के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखता है, व्हाई। और ये कलाम हमें दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, मुर्दों में से जी उठने से पहले यीशु की हालत और फिर जी उठने के बाद आफ्टर रेजरेक्शन उसके बाद की हालत जब हम समझेंगे तो फिर हमें ये राज हमें मालूम हो जाएगा, फिर ये मकाशवा हम पर खुलेगा कि पौलुस क्यों अपने दिल में एक जलती हुई ख्वाहिश रखता है, वो क्यों अपने दिल में ये दुआ कर रहा है, कहे खुदावंद खुदा अपना कान झुका, काश के मैं उस मकाम पर जो तूने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद हासिल किया, मैं उस बात को, उस मकाम को हासिल कर सकूं। ये दुआ आपकी और मेरी भी हो सकती है। पहले दुख है, पहले मुसीबत है, पहले सलीब है, उसके बाद ताज है, उसके बाद खुशी है, उसके बाद क्या है, शादमानी है। तो गसमनी बाग से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का आगाज होता है। क्या कहा मैंने, गसमनी बाग से यीशु मसीह के दुखों का आगाज होता है, और वहां पर हम ये देखते हैं जो खास बात, जो खुदा के दुख के तकलीफ के दर्जा को आखिरी मकाम तक पहुंचा देती है, जानकुनी की हालत है। एंड व्हाट हैपेंड दैट टाइम, लिखा है कि यीशु का पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिरने लगा। हमने तो इसको सिर्फ एज ए आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह का पसीना और खून एक हो रहे थे तो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर
क्या तब्दीली आ रही थी, जिस्म में क्या हो रहा था, उसको जानने की कोशिश करें। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब इंसान नहायत दुख तकलीफ और कर्ब की हालत में होता है तो उस वक्त इंसान की शरियाने ब्लड वेसल कैपिलरीज फूल जाती हैं, स्किन जिल जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, फूल जाती है और पानी और खून एक हो जाते हैं। और यही हालत यीशु की गतसमनी बाग में हुई। और इसके लिए मैं जो लफ्ज में जो मेडिकल लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है हेमीहाइड्रोसिस, यानी जब पानी और खून एक हो जाते हैं। और लिखा कि जब तक खुदांदवा दुआ करता रहा खून पसीना खून बनकर बहता रहा। और उसके बाद रात 2 बजे यीशु की गिरफ्तारी होती है। सबसे पहले पकड़कर उसको मजहबी अदालत में ले जाया गया। सरदार काहिन हन्ना और कायफा के सामने, सैनहेड्रिन के सामने पेश किया गया। और मजहबी जमात जो थी सैनहेड्रिन वो 72 आदमियों पर मुश्तमिल होती थी। और वहां पर जब उस खुदावंद यीशु मसीह को उस जमात के सामने पेश किया गया तो वहां उस पर फर्दे जुर्म ये आयद कर दिया गया कि ये अपने आप, ये कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा बनाता है, ये अपने आप को खुदा कहता है, उसके ऊपर ये फर्दे जुर्म आयद कर दिया गया। और क्रिमजी चोगा पहनाया गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके तमांचे मारे गए, उसकी मुबारक दाढ़ी को नोचा गया। जो कुछ वो कर सकते थे, इंतहा की जलालत, उसके मुंह पर थूका गया, मुबारक चेहरे पर, मेरे यीशु के चेहरे पर लोगों ने थूका, मजाक उड़ाया। ये सलीब से पहले के वाकयात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि किस कदर मेरे और आपके मसीहा ने जी उठने से पहले दुख उठाया। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो राय कलवरी की तरफ जाता है तो बड़ी सलीब उसको उठाने के लिए दी गई। तो मैंने ये बताया था कि ये इसका वजन 45 से 55 केजी, अंदाजा लगाया कि आप इतना वजन उठा सकते हैं 55 केजी। और कम से कम जो है ये शहर से अगर ये करीब था, लेकिन काफी फासला था, हजूम था, और खुदावंद यीशु मसीह को ये भारी सलीब उठाकर उस मकाम तक जाना पड़ा। उसके बाद हम देखते जब कलवरी खोपड़ी के मकाम, गुलगुता के मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब लेकर गए, यीशु को लटा दिया गया। और उसके बाद वैशी सिपाही आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के हाथों में 6 से लेकर 7 इंच के बड़े बड़े कील जिंदा यीशु के हाथों में गाड़े गए और रस्सी से बांध दिया गया। और उसके बाद गड़ा खोदा गया और उस गड़े में मेरे मसीहा की सलीब को जोरदार झटके के साथ उस गड़े में गिरा दिया गया। यीशु के जख्म और ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा बढ़ गए, और खून फजा में बहने लगा। और आखिरी कलमे में उसने कहा, अय बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इससे पेशतर को सलीब से उतारा जाता, उसकी पसली को जाते जाते छेदा गया ताकि ये मालूम कर लिया जाए
कि ये जिंदा है या मुर्दा है। ये क्यों किया? इसलिए कि जो जिंदा होते थे, जो सलीब पर मुजरम मरते नहीं थे, उनकी टांगों को तोड़ा जाता था। और यीशु वक्त से पहले जान दे दी, ताकि पुराने ऐतनामे की जबूर 16 की पेशेंट कोई पूरी हो जाए कि उसका बदन तमाम सही सलामत रहेगा, सड़ने की नौबत नहीं पहुंचे, कोई बदन हड्डी तोड़ी ना जाएगी, ताकि पुराने अहदनामे की पेशेंट कोई क्या की जाए, पूरी की जाए। और उसके बाद मैं और आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को दफना दिया गया और एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र पर रख दिया गया। क्या जानते हैं उस पत्थर के हवाले से, उसका हाउ मच वेट ऑफ दैट स्टोन, उस पत्थर का वजन कितना था? 1 से लेकर 2 टन उस पत्थर का वजन था, यानी 28 मन का 1 टन होता है। 1 टन से 2 टन तक उसका वजन था। तो जो लोग वैशी सिपाहियों ने कलवरी से लेके सलीब तक जो मजालम ठाए, और उन्होंने यह समझा कि सलीब का ये करबनाक वाकया जो कि उनकी नजर में एक बहुत ही घिनौना फेल था, जो ये समझते थे कि हमने यीशु को क्या कर लिया, मकलूब कर लिया है, और यही सलीब का करबनाक वाकया यीशु की और मेरी और आपकी फतह बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, मेरी और आपकी फतह बन गया। सलीब खुदा यीशु मसीह की बादशाही पर सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा हमला, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का सबसे बड़ा हम देखते हैं कि जलाली सूरत में एक अजमत की सूरत में बदल गया। मारने वालों के नजदीक तो, गौर से सुनिएगा, मारने वालों के नजदीक तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी खत्म ना हुआ, वो मरे हुए की तरह भूल गए। लेकिन आज की दुनिया 6 अरब से तजावज कर चुकी है, जिस मसीहा को उन्होंने मसलूब किया और मसलूब करके उसे दफन कर दिया, और वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, उनके नजदीक तो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन आज भी वो इस प्लेनेट पर, कुरारस पर जितनी कौमें बसती हैं, वो हजारों लाखों करोड़ों की धड़कनों में जिंदा है। हालेलुया, जोरदार तालियां। आज भी वो लोगों की जिंदगियों में जिंदा है, गैर कौमें धड़ाधड़, जो आपको पता नहीं, अगर आप देखें तो गैर कौमें यीशु मसीह को धड़ाधड़ कबूल कर रही हैं, मसीह हल्के में आ रही हैं। खुदामंद खुदा आने वाले दिनों में कराची शहर में एक बड़ा इनकलाब लाने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? खुदामंद चाहता है कि आज आप उसके दुखों को समझें और जानने की कोशिश करें। अब एक दो बातें मैं बिब्लिकल आपको बताना चाहता हूं। इन हिज रेजरेक्शन पावर लाइज आवर जस्टिफिकेशन। अगर नहीं समझाया तो मैं बताना चाहता हूं कि उसकी जी उठने की कुदरत में हमारी रास्तबाजी पोशीदा है। What I said, in his resurrection power lies our justification. मैं आपको हवाला बताता चला जाऊं, मैं जबाने भी पढ़ सकता हूं लेकिन मैं